जी वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बैठिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जवाद अली है। जी जवाद अली साहब, मुझे बताइए आपका कैसे आना हुआ? मेरा नाम डॉक्टर फरीदा अमीन है। मैं मुझे जो है ना 2-3 महीने से पेचिस हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल पानी की तरह होता है वो। अच्छा, बाकी जो है ना पेट में दर्द भी नहीं है और बुखार वुखार कुछ भी नहीं, बस सिर्फ जो है ना पेचिस हो रहा है। और कुछ आप बताना चाहें इस बारे में? बस अच्छा, तो आपने कहा पानी जैसे हो रहा है, दिन में कितनी दफा हो जाता है? दिन में जो ना 2-3 दफा ही होता है। 2-3 दफा और 3 दिन से शुरू हुआ? इसके साथ कोई बुखार हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। या कोई उल्टी हुई हो? आपने कहा पेट में दर्द है, कोई खड़े रहने पे चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा, और एक दफा जब होता है तो ये क्या बिल्कुल पानी जैसा होता है या इस तरह होता है कि थोड़ा थोड़ा सा आके रुक जाए? नहीं, मैं बिल्कुल पानी की तरह। बिल्कुल पानी की तरह होता है। आपने कोई बाहर से खाना खाया हो पिछले 2-4 दिनों में? जी, मेरा रूटीन कई बाहर से खाता हूँ। अच्छा, आप रोजाना बाहर से खाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जो ना काम के सिलसिले में आया हूँ तो। अच्छा, कहाँ से आए? मैं गिलगित से आया। अच्छा, आप गिलगित के रहने वाले? जी। तो यहाँ पे आप कहाँ खुद ही अकेले रहते हैं? जी मैं। अच्छा, तो घर में पकाते नहीं है आप खुद? फैमिली नहीं है यहाँ पे। तो पानी भी उबला हुआ नहीं पीते होंगे? अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। और पहले कभी कोई बड़े मसले मसाए हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ। दवाइयाँ तो नहीं ले रहे आप? कोई इस दफा भी कोई आपने दवाइयाँ ऐसी नहीं ली? नहीं मैम, थोड़ा जो ना मुझे मेरे का जो ना थोड़ा तकलीफ रहता है पहले, तकलीफ है, बाकी सही है। अच्छा, कोई जो है वो आप सिगरेट तंबाकू ऐसी चीजें तो नहीं इस्तेमाल करते? मैं देखूं कुछ भी? अच्छा अच्छा अच्छा, सही। मैं आपका मुआयना कर लूं, मुझे इजाजत हो आपकी, प्लीज यहाँ पे बैठे। जी आगे। अच्छा जवाब साहब, आपने मुझे बताया कि आपको जो है वो पेचिश लगी हुई है 3 दिनों से, और इसके साथ और कोई मसला आपको नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको पानी जैसे पेचिश हो रही है। और आपने कहा कि आप बाहर से खाना खाते हैं क्योंकि आप गिलगित से आए हुए हैं और आपके घर में कोई पकाने का वो नहीं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप घर में मतलब घर का खाना खा सकें? या आप ऐसा करिए कि जहाँ से आप खाना खाते हैं तो कोई एक ही जगह से खाइए जहाँ आपको पता हो कि साफ सुथरा मिलता है, कि यानी कि आप अलग अलग जगहों से ना खाइए, और कोशिश ये करें कि पका हुआ खाना खाएं, जैसे सलाद वगैरह होती है ना बाहर की, या इस तरह की चीजें जो कम पकी होती है वो जरा अवॉइड किया करें। पानी का क्या कर सकते हैं भाई आप? जैसे आप कह रहे थे कि उबला हुआ पानी जो है वो आप नहीं पीते, तो उसका आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं कि पानी उबला हुआ हो? घर में उबाल सकते हैं? नहीं, मैं मेरा फैमिली नहीं है, मैं मतलब रुकी नहीं है बाहर। हाँ, लेकिन अगर आप एक वो ले लें मटका जैसी चीज कोई, या पानी उबालने के लिए कोई बर्तन ले लें और अपना रोजाना का उबाल लिया करें, तो 20 मिनट तक ना अच्छे से पानी को उबाल के, और फिर अपना ही आप काम पर भी जाए ना। क्या काम करते हैं आप? मैं जो ना एक काम करता हूँ, ऑफिस वगैरह में काम करते। अच्छा, तो आप जो है वो वहाँ पर लेके अपना जैसे पानी चले जाया करें, ताकि जो है वो आपको बाहर का पानी ना पीना पड़े। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ आपको लिख के देती हूँ, ये मैं जिस तरह आपको समझाऊंगी ना उस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है 3 दिन तक के लिए, और उसके साथ जो है वो ORS का पानी लेना है। तो हर दफा पेचिश हो 1 कप ORS आपने लेना है। ठीक है, अगर आपकी तबीयत में अगले 24 घंटों में बेहतरी ना आए, या फिर आपको जो है वो कोई उल्टी लग जाए, या फिर बहुत सख्त पेट में दर्द हो रहा हो, या चक्कर वक्कर आने शुरू हो, फौरी तौर पे मुझे आके बताना है। ठीक है, मैं कल भी यहीं पर होंगी, परसों भी यहीं पर होंगी, नंबर्स वगैरह भी लेके